तो बच्चों अब हम लेज़र के उपयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लेज़र की विशेषताएं देख लिया था। लेज़र की खोज सन 1960 में हुआ था, तब से लेकर आज तक बहुत विकास हो गया है कि लेज़र तकनीक से क्या क्या करना है। मैंने पिछली कक्षा में संक्षिप्त में बताया कि इसे बगैर चीरा फाड़ी के भी ऑपरेशन होने लगे हैं लेज़र तकनीक के कारण या लेज़र के आने से, जैसे कि मस्तिष्क का ऑपरेशन हो, जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन हो, कैंसर और ट्यूमर का इलाज करना हो, तो ये सब लेज़र तकनीक से आजकल होने लगे हैं। संचार व्यवस्था में भी इसके बहुत उपयोग हैं, तकनीकी क्षेत्र में उपयोग हैं। हीरे को काटा जा सकता है, हीरे में छेद किया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि बहुत सारे इसके उपयोग हैं तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में भी इसके उपयोग हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में भी उपयोग हैं, और आपका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी इसके उपयोग हैं। चलिए डिटेल में हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हैं वास्तव में। तो पहला उपयोग है लेज़र का, जो पहला उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में चूंकि हम जानते हैं कि लेज़र किरणें समानांतर और मोनोक्रोमैटिक होती हैं, एकवर्णिक होती हैं। चूंकि लेज़र किरणें समानांतर तथा एक वर्णिक होती है, चूंकि लेज़र किरणें समानांतर होती हैं, एक वर्णिक होती हैं, इसका अर्थ है मोनोक्रोमेटिक होती हैं, ठीक है ना। तो इस गुण के कारण चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे क्या क्या उपयोग हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, सबसे पहला उपयोग है माइक्रो सर्जरी में, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म शल्य चिकित्सा में, शॉर्ट में उसको कहेंगे माइक्रो सर्जरी। सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्जरी भी लेज़र तकनीक से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लेज़र किरणें समानांतर और एकवर्णिक होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं, अतः उत्तल लेंस का उपयोग करके इसे एक बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। इसी गुण के कारण चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आ गई है, सूक्ष्म शल्य चिकित्सा माइक्रो सर्जरी में इसका इस्तेमाल होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कैंसर और ट्यूमर का इलाज करने में, कैंसर और ट्यूमर का इलाज में, के इलाज में लिखते हैं, ठीक है ना। कैंसर और ट्यूमर के इलाज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। मस्तिष्क का ऑपरेशन करना हो, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ब्रेन जिसको कहते हैं, मस्तिष्क के ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में लेज़र तकनीक के इस्तेमाल से क्रांति आ गई है। ये मैंने दो तीन उदाहरण बताए, इससे आप इसकी उपयोगिता को समझ गए होंगे। दूसरा इसका उपयोग है संचार व्यवस्था में, संचार व्यवस्था में
हमने लेजर किरणों की विशेषता के अंतर्गत देखा था कि लेजर किरणों का फैलाव बहुत कम होता है। लेजर किरणों का जो फैलाव होता है बहुत कम होता है। अतः बिना प्रवर्धन किए इसको दूर तक भेजा जा सकता है। इस गुण का उपयोग दिशात्मक रेडियो संचार में किया जाता है, है ना? ठीक है ना? इस गुण का उपयोग दिशात्मक रेडियो संचार में किया जाता है। इस गुण का उपयोग दिशात्मक रेडियो संचार में किया जाता है। और वो महत्वपूर्ण गुण क्या है कि इनका फैलाव बहुत कम होता है, बगैर प्रवर्धन किए बगैर इसको लंबी दूरी तक भेज सकते हैं, इसलिए इस गुण का उपयोग दिशात्मक रेडियो संचार में किया जाता है। तो इस तरह से संचार व्यवस्था में ये बहुत उपयोगी है लेजर तकनीक। तीसरा मैं कहूँ तकनीकी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। लेजर किरणों का सबसे महत्वपूर्ण गुण मैंने बताया था कि ये संकीर्ण और तीव्र होती हैं। लेजर किरणें अत्यधिक संकीर्ण तथा तीव्र होती हैं। ठीक है ना? लेजर किरणें अत्यधिक संकीर्ण और तीव्र होती हैं। इसी गुण की वजह से इसका उपयोग हीरे को काटने में किया जाता है, वेल्डिंग करने में किया जाता है, उसमें बारीक से बारीक छिद्र करना है उसमें किया जाता है। ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत उपयोग क्या हो जाएगा, हीरे को काटने में। इस गुण का इस्तेमाल किस में होता है, हीरे को काटने में। ठीक है? उसमें बारीक छिद्र करने में। बारीक छिद्र करने में इसका इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए अवरक्त लेजर किरण पुंज का इस्तेमाल, आप जो कागज लिखते हैं ना, जो स्याही उसमें आ जाता है, लिखने पर स्याही उसमें नेचुरली आ जाता है, तो अवरक्त लेजर किरणों की मदद से उस स्याही को मिटाया जा सकता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा उपयोग है, हीरे को काटने में हो या उसमें बारीक छिद्र करने में हो या कागज की स्याही को मिटाने में हो, तो तकनीकी क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है? इसके आगे हम देखेंगे लंबी दूरी को मापने में भी इसका उपयोग होता है। मौसम विज्ञान में चौथा यदि हम इसका उपयोग देखें, मौसम विज्ञान में लेजर किरणों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग के अंतर्गत मौसम के बारे में जो जानकारी हासिल की जाती है वो भी आता है। इन किरणों के उपयोग से
लिडार नामक यंत्र बनाया गया है, लिडार, लिडार नामक यंत्र। लेजर किरणों के उपयोग से लिडार नामक यंत्र बनाया गया है जो मौसम विज्ञान के संबंध में जानकारी हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, पांचवा हम कह सकते हैं लंबी दूरियों के मापन में या बड़ी दूरियों के मापन में। ये लंबी दूरी तक जा सकती हैं बगैर किसी फैलाव के। इस गुण का उपयोग हम बड़ी दूरी मापने में करते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी इसी पद्धति से निकाला गया है, तो ये बहुत उपयोगी है। छठवां हम कहें युद्ध क्षेत्र में, युद्ध हो रहा हो, दो देश जब युद्ध करते हैं तो दुश्मनों के प्रक्षेपास्त्र का पता लगाने के लिए कि उनके मिसाइल कहां पर हैं और उसको नष्ट करने में भी लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, कि कहां पर दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र हैं, मिसाइल हैं और उसको किस तरह नष्ट करना है, तो युद्ध क्षेत्र में ये बहुत ही उपयोगी तकनीक है। ठीक है, इसके आगे हम देख सकते हैं अनुसंधान कार्यों में, वैज्ञानिक जो विभिन्न अनुसंधान कार्य करते हैं तो लेजर तकनीक का सहारा लेकर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व निकालना हो या और कुछ काम करना हो तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो अनुसंधान या खोज कार्य में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक और हम देख सकते हैं होलोग्राफी, होलोग्राफी में लेजर तकनीक के इस्तेमाल से होलोग्राम बनाए गए हैं। होलोग्राम मतलब किसी भी वस्तु के त्रिविमीय चित्र, तीनों साइड से दिखेगा। यदि एक साइड से देखोगे तो दिखेगा, उधर चले जाओगे तो वैसे ही दिखेगा। तो त्रिविमीय चित्र जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं होलोग्राफी या फोटोग्राफ जो तैयार किए जाते हैं, है ना। तो इसी यही है होलोग्राम या होलोग्राफी, त्रिविमीय चित्र। तो ये भी लेजर तकनीक का ही एक काम है या उपयोग है। एक और हम उपयोग कह सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, अंतरिक्ष विज्ञान में कैसे रॉकेट या अन्य जो हमारे यान है उसको कैसे नियंत्रित करना है, ये भी लेजर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना, लेजर की खोज वैसे तो 1960 में हुआ था लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारे कामों में ये उपयोगी है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, मिसाइल ढूंढने और नष्ट करने में हो, बड़ी दूरियों के मापन में हो, होलोग्राफी में हो। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं और इन उपयोगों की वजह से वर्तमान जीवन में एक क्रांति सी आ गई है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने समझा होगा पिछली कक्षाओं और अभी की कक्षा से कि लेजर कैसे काम करता है, कितने प्रकार होते हैं। उदाहरण से भी हमने जाना, इनके विशेषताओं को जाना, इनके उपयोग को जाना। अब हम अभी देखेंगे आंकिक प्रश्न, है ना, कुछ आंकिक प्रश्न हम देख लेते हैं, एकाध करके हम समझेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कहा जाता है,
हमने जो थ्योरी पढ़ा है या गणितीय सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर ये होता है। देखिए एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं। एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकंड की एक आवेश, ये हमारा क्वेश्चन है। एक हजार कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलायमान है ठीक है। एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलायमान है ठीक है ना। इससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो एक आवेश है 1000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलायमान है। प्रश्न को आंकिक प्रश्न बनाना है तो कभी भी प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। एक बार में समझ नहीं आता, आप उसको दूसरी बार पढ़िए ठीक है ना। और ये जानिए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या चीज ज्ञात करना है। उसके बाद जो उपयुक्त सूत्र है उसको आप लगाइए, आपका आंकिक प्रश्न हल हो जाएगा। तो सब इसको हल करके देखते हैं। प्रश्न को हमने पढ़ा, एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलायमान है। कहने का मतलब आवृत्ति दे दिया है 1000 कंपन प्रति सेकंड, और हमको ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान। तो चलिए देखते हैं, दिया है कि आवृत्ति जो दिया है जिसको हम न्यू से दर्शाते हैं, इसका मान दिया हुआ है 1000 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है ना। हमको ज्ञात करना है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य, मतलब लैम्डा का मान ठीक है। अब न्यू और लैम्डा के बीच वाला एकाध सूत्र आप लोगों को पता होगा, अभी तक हमने पढ़ा उससे एक सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए। C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। C प्रकाश की चाल है, न्यू आवृत्ति है जो कि दे दिया है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है जिसको आपको ज्ञात करना है। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं। पक्षांतर कर लीजिए, न्यू गुणा में है, इधर आके हो जाएगा सी अपान न्यू। अब केवल हमको मान बस रखना है। सी मैंने पहले ही बताया प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सी का मान हम रख लेते हैं 3×10⁸ ठीक है ना। अब इसको भाग दे देते हैं आवृत्ति से जो कि प्रश्न में दे दिया है 1000, आप भाग दे दीजिए ठीक है। इसको अब हमको हल करना है, 3×10⁸ पूरे के बटा 1000 को हम लिख सकते हैं 10³, क्योंकि 3 जीरो है, शून्य है। अब उसको कटाइए, लैम्डा बराबर हो जाएगा 3×10⁹
10 की घात, ये 3 घात जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो 8 से घट जाएगा, 8 ऋण 3 5 हो जाएगा। तो 3 गुणित 10 की घात 5, ये हमारा तरंग दैर्ध्य आया, आया ना, 3 गुणित 10 की घात 5, ये हमारा तरंग दैर्ध्य आ जाता है, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या है, लास्ट में लैम्डा की इकाई क्या होती है हमको जानना चाहिए, तरंग दैर्ध्य है तो इसकी इकाई होगी इंटरनेशनल इकाई मीटर। अब यही उत्तर है, ठीक है। तो हमने ये आंकिक प्रश्न करके देखा, एक उपयुक्त सूत्र लगाने की जरूरत पड़ती है जो हमने लगाया और आराम से हल करके हमने उत्तर ले आए, ठीक है। तो हमने अभी आंकिक प्रश्न के बारे में जाना, आंकिक प्रश्न किस तरह होते हैं और किस तरह से क्या क्या दिया है और कौन सा सूत्र लगाना है ये हम पर निर्भर करता है ना, जो दिया है उसके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ता है और सूत्र लगाने होते हैं। ये एक आंकिक प्रश्न था जिसमें हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना था जो कि इतना आया। अभी हम दो और आंकिक प्रश्न देख लेते हैं, चलिए देखें। हमारा दूसरा अंकित क्वेश्चन है ना, गामा किरणों की औसत आवृत्ति, गामा किरणों की औसत आवृत्ति, गामा किरणों की औसत आवृत्ति 3 गुणित 10 की घात 14 मेगा हर्ट्ज है। ठीक है ना, मतलब आवृत्ति दे दिया है 3 गुणित 10 की घात 14 मेगा हर्ट्ज। उसकी ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। उसकी ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करके देखते हैं, है ना, ये हमारा प्रश्न है हमारे सामने। गामा किरणों की औसत आवृत्ति दिया है 3 गुणित 10 की घात 14 मेगा हर्ट्ज, आवृत्ति दे दिया है अपने पास, हमको ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लिया जाए, आवृत्ति को हमेशा न्यू से दर्शाया जाता है, 3 गुणित 10 की घात 14 मेगा हर्ट्ज। वैसे तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, लेकिन चूंकि मेगा हर्ट्ज दिया है तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना है, तो 10 की घात 6 से गुणा करोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा 3 गुणित 10 की घात 14 गुणित 10 की घात 6, मेगा को हम हटा रहे हैं हर्ट्ज में, तो 10 की घात 6 से गुणा करेंगे तो ये हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हर्ट्ज होगा, 3 गुणित 10 की घात 20 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, 14 और 6 20 हर्ट्ज। बहुत ही आसान आंकिक प्रश्न है,
थोड़े से इकाई पर ध्यान रखेंगे, सूत्र पर ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आवृत्ति हमको मिल गया 3×10^20 हर्ट्ज। अब हमको ऊर्जा जूल में निकालनी है। प्लांक नियतांक भी जरूरत पड़ेगा हमको, उसका मान हमको याद रखना पड़ेगा 6.6×10^-34 जूल सेकंड होता है, ये प्लांक नियतांक का मान है 6.6×10^-34 जूल सेकंड। हमको ऊर्जा निकालना है ई का मान। सूत्र हम लगा लेते हैं E=h𝛎। ये फोटोन की ऊर्जा हमने पढ़ा है, E=h𝛎। एच दे दिया है, न्यू दे दिया है, हमको ऊर्जा निकालना है। मान रख देते हैं, प्लांक नियतांक का मान है 6.6×10^-34 गुणा न्यू का मान है 3×10^20 3×10^20। आप इसको गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा कर लेते हैं, 3×6 18, 1 आया, 3×6 18 और 1 19। एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है तो 19.8 हो जाता है। गुणित 10^-34 और -20 -14 हो जाएगा। चूंकि ये जितनी भी इकाई है वो इंटरनेशनल इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, हर्ट्ज हो चाहे जूल सेकंड हो, तो ये जो ऊर्जा आई है ये जूल में आएगी। तो एक आंसर तो आ गया हमारा, क्योंकि ऊर्जा जूल में भी पूछा था तो जूल, इतना जूल तो आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो जो जूल में ऊर्जा आई है उसको 1.6×10^-19 से भाग दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6×10^-19 जूल होता है, ठीक है, तो इतना जूल है तो उससे भाग दे देंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 19.8×10^-14 पूरे का बटा 1.6×10^-19। ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ई वी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब आप इसको हल करेंगे तो वो आ जाएगा 1.24×10^6, ऊपर 19 जाएगा तो धन हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा को हमने जूल में निकाला पहले, फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला। तो इस तरह से जो हमारा आंकिक प्रश्न है वो हल हो गया। जो भी दिया था उसी के आधार पर हमने सूत्र लगाया, इकाई पर ध्यान रखा, आसानी से सवाल हल हो गया। तो इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बाद। एक दूसरा आंकिक प्रश्न भी हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। यदि दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध दे दिया है, मान लिया जाए 5×10^-7 मीटर, ठीक है ना, 5×10^-7
7 मीटर हो तो उसका ताप कितना होगा, उसका ताप कितना होगा, ताप पूछा है हमको। चलिए देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं क्या दिया है। इसको पहले देख लेते हैं, दिया है कि लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर। ये हमारे पास तरंगदैर्ध्य पहले से दे दिया है। ताप पूछा है मतलब टी का मान पूछा है। हमको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, सूत्र होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी। लैम्डा एम टी बराबर बी होता है, तो यहाँ से हम टी का मान हमको निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा बी बटे लैम्डा एम। यहाँ बी का जो मान होता है 0.0029 होता है, 0.0029 मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नियतांक है। इस मान को हम यहाँ रख देते हैं, आपका बी हो गया 0.0029 पूरे का बटा लैम्डा एम। लैम्डा एम मतलब वही तरंगदैर्ध्य हो गया अपना 5×10⁻⁷ मीटर। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, आप हल करके देखिएगा, ये आएगा 5.8×10³ केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, ताप को केल्विन में भी मापा जाता है। इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5800 केल्विन, ठीक है ना। तो ये ताप हमको ज्ञात करना था। हमने एक सूत्र रखा लैम्डा एम गुणित टी बराबर बी, बी नियतांक है, उसका मान है 0.0029 मीटर केल्विन। तरंगदैर्ध्य का तो पहले से दे दिया था 5×10⁻⁷ मीटर। इकाई पर विशेष ध्यान रखना है, सभी इकाई एक ही पद्धति में होने चाहिए। उसका हमने ध्यान रखा, सूत्र में रखा मान को, ताप आ गया 5800 केल्विन। तो इस तरह से आप इकाई पर ध्यान रखकर और आंकिक प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है उसके लिए उपयुक्त सूत्र लगाकर आप आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद।